हम लोग संगम काल पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संगम काल। संगम काल में हम लोग पढ़ रहे थे संगम काल का जो तीन प्रमुख राज्य है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तीन प्रमुख राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, चेर, चोल और पांडे। चीन में एक जगह है मुजरिस, जिसका चर्चा मैंने कल किया था। कल बताया था कि मुजरिस में सैनिक छावनी था या रोमन बस्ती थी, ये सब मैंने कल बताया था। जो चीन का एक बंदरगाह शहर था, इसको संगम साहित्य में कांगानौर कहा गया है। कांगानौर कहा गया, संगम साहित्य में मुजरिस को क्या कहा गया है? कांगानौर कहा गया। चेर जो अंतिम चेर राजा है उनका नाम से है। अंतिम चेर राजा कौन है? से। ठीक। पांडे वंश पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि पांडे वंश का संस्थापक निड्योन था और निड्योन ने सागर पूजा शुरू किया था, यह मैंने आपको बताया था। निड्योन के बाद जो शासक बने थे वो निड्योन जेलियन थे। निड्योन जेलियन, मैंने जलाल बोल दिया था कल, इसलिए उसको मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब निड्योन के बाद निड्योन जेलियन शासक बने थे। निड्योन जेलियन जो शासक बने थे, इन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में, रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था व्यापारिक समृद्धि के लिए। निड्योन जेलियन ने अंतिम चेर राजा से को पराजित किया था। अंतिम चेर राजा से को पराजित किया था। चेर वंश को समाप्त करने वाला कोई पांडे शासक था तो वो था निड्योन जेलियन ही था। निड्योन जेलियन की कृति का वर्णन पत्तु पत्तु नामक ग्रंथ में मिलता है। पत्तु पत्तु नामक ग्रंथ में मिलता है, ठीक, संगम ग्रंथ में मिलता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट कि निड्योन जेलियन पत्तु पत्तु नामक ग्रंथ मिलता है, अंतिम चेर राजा से को पराजित किया। तलैया वलंगानार का जो युद्ध हुआ था वो जो है निड्योन जेलियन ने ही जीता था। तलैया वलंगानार का जो युद्ध हुआ था वो निड्योन जेलियन ने ही जीता था। और निड्योन जेलियन ने अपने बाद अपने भाई कोरकई को शासक बनाया और कोरकई के साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने जो है कनगी उत्सव उस क्षेत्र में मनाना शुरू किया। कनगी का जो उत्सव है, कनगी समझते ही होंगे पत्नी पूजा का जो उत्सव है, पत्नी पूजा शुरू करना, पत्नी कनगी पूजा का उत्सव शुरू करना, ये जो है कनगी पूजा का उत्सव शुरू करना ये कोरकई ने ही शुरू किया था। ये पांडे वंश के शासक थे। तो ये थोड़ा सा था। एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैंने कहा था कि शिल्पाधिकरम का जो लेखक है इलंगोवादिकल, जो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरम है उसका जो लेखक है वह इलंगोवादिकल है। मैंने कहा था चोल राजा करिकाल का पोता। देखिए कहीं कहीं वो मिलता है और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि चेर राजा सिंगुटवन का वो संबंधी था। चेर राजा सिंगुटवन का वो संबंधी था। तो आप लोग जो है ना, सिंगुटवन का अगर पूछ लिया जाए कि इलंगोवादिकल किसके संबंधी थे तो आप कहिए चेर राजा के संबंधी। तो यही आपका संगम काल के बारे में कुछ जानकारी है। संगम काल के प्रशासन के संबंध में एक दो जानकारी मैं चाह रहा हूं कि आपको दे दूं। मैंने कहा था मनोरम, तो मनोरम जो है ये न्यायालय था। ये क्या था? न्यायालय था। और नलवई जो था वो जो था राजा का सभा होता, राजा का सभा होता था। नलवी क्या होता था? राजा का सभा होता था। और मनोरम क्या होता था? न्यायालय को कहते थे। देखिए सेना में सबसे इंपॉर्टेंट हाथी था, हाथी पर राजा चढ़ते थे और बैल वाला जो रथ होता था, बैल वाला जो रथ होता था वह जो है उस पर सामंत, सामंत नहीं कहिए, सैनिक चढ़ते थे। और पैदल जो होते थे
वो चमड़ा का जूता पहनते थे। ये क्या करते थे? चमड़ा का जूता पहनते थे। पांडे शासक जो थे, हाथी जो है वो मंगवाए थे कहां से? तो समुद्री मार्ग से हाथी मंगवाते, सॉरी घोड़ा मंगवाते थे। घोड़ा पांडे शासक घोड़ा मंगवाते थे समुद्री मार्ग से। अरब व्यापारी जो है उनको ये व्यापार में ये घोड़ा देते थे पांडे शासक को। तो ये जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट था, मैं चाह रहा था कि आपको ये सब कुछ बता दूं। इस काल में जल घड़ी का भी प्रयोग होता था। एक इम्पोर्टेंट बात कि जल घड़ी का प्रयोग होता था। तो ये सब है आपको इस काल का प्रशासन का कुछ जानकारी। वैसे जल घड़ी यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट प्रशासन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो ये हो गया चोल राजा के प्रशासन, राज्य और प्रशासन के संबंधित कुछ सूचनाएं जो जोड़ी था आपको देना, वो मैंने दे दिया। जो कल हम नेडुन जलाल बोल दिए थे पांडे शासक, उसको नेडुन जलियोन कर दीजिएगा। बस यही सुधार हम चाह रहे थे कि आप लोग कर दीजिए। अब है अर्थव्यवस्था, संगम काल का अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि है तो नेचुरल ही पशुपालन भी होगा ही होगा। यहाँ पर देखिएगा कृषि में एग्रीकल्चर में कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखें तो धान, रागी, जौ, गन्ना, ये सब काफी यहाँ इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी फसल मिलते हैं जैसे कटहल हुआ, यहाँ मसाला खूब मिलता है जैसे काली मिर्च हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, ये सब सारा जो जितना भी मसाला है वो काफी मिलता है। और काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है क्योंकि यवन देश जो नाम देश था वहाँ काफी यह प्रसिद्ध था, काफी यह डिमांड था यूरोप में, इसलिए इसको यवन प्रिय भी कहा जाता था। तो ये काफी जो है यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी काफी है, प्राकृतिक संसाधन भी काफी है। प्राकृतिक संसाधन में देखिएगा तो यहाँ पर आपको जैसे मिल जाएगा मसाला रहेगा तो भी प्राकृतिक संसाधन नहीं आएगा। जैसे आपको पत्थर जो है, कीमती पत्थर, मोती, ये सब जो है आपको यहाँ पर काफी मात्रा में मिल जाएगा। कीमती पत्थर हुआ, हाथी दांत हुआ, ये काफी यहाँ मिलता है दक्षिण भारत में। और इन सारी वस्तुओं का जो डिमांड है वो यूरोप में काफी था। यूरोप का अर्थ हुआ यूनान और ग्रीस। एक चीज जान लीजिएगा, इन जो राज्य थे चेल हो या पांडे हुआ या मुसरी हुआ, ये सारे राज्य की जो काफी प्रसिद्ध थे और शक्तिशाली थे, तो इनका विदेशी व्यापार ही था। विदेशी व्यापार ही इनको काफी इंपॉर्टेंट था। विदेशी व्यापार में भी जो रोम के साथ प्रांत होता था, रोम के साथ, तो वो व्यापार काफी फ्लोरिश किया इस समय। और आप कह सकते हैं कि मिस्र में रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई, जिसको हेलेनिस्टिक साम्राज्य भी कहते हैं, हेलेनिस्टिक साम्राज्य भी कहते हैं। वो मिस्र में स्थापित हुआ पर, और उसी के साथ प्रथम शताब्दी में मानसून का भी खोज हो गया। तो दक्षिणी दक्षिण भारत के दक्षिण हिस्सा से चेर, चोल और पांडे के जो राज्य थे वो भरपूर जो है व्यापार रोम के साथ किए, और इस व्यापार में उन्हें काफी फायदा हुआ। पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक ये व्यापार काफी तेज गति से फैला और ये राज्य भी काफी शक्तिशाली हुए। जैसे ही तीसरी शताब्दी के आसपास ये व्यापार में गिरावट आया तो फिर जो है इन राज्यों का भी पतन हो गया। ये जो दक्षिण में जो चोल और चेर पांडे थे, तो एक तरफ तो ये अरब सागर से जुड़े ही हुए थे, ये मलक्का द्वीप समूह जो है, मलक्का द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व के जो राज्य हैं, या चीन हुआ, श्रीलंका हुआ, इन सबसे भी इनका व्यापार होता था। व्यापार जो था, एक जो विदेशी व्यापार था वो भारत के पक्ष में ही था। भारत का यहाँ पर मेरे कहने का थे दक्षिण भारत के पक्ष में था। इस समय युद्ध से भी काफी जो लूट का माल आता था वो काफी इंपॉर्टेंट होता था।
युद्ध से जो लूट का माल आता था वह भी काफी इंपॉर्टेंट होता था। तो ये सब इस काल की अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष पहलू हैं। राज्य की आय का स्रोत काफी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था, तो इसलिए राज्य भी काफी शक्तिशाली हुए। चोर, चेर, पांडे, ये तीनों राज्य काफी शक्तिशाली हो गए। अब है या परीक्षाओं में जो पूछा जाता है कि कुछ संगम जो व्यापार जो अर्थव्यवस्था से जो किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्द है और उसका संगम शब्द क्या है, परीक्षाओं में यही सब पूछा जाता है। तो जैसे कि भूमि की माप के लिए भूमि की माप की इकाई तो इसको कहा जाता था मा या बेली। अगर आपसे पूछा जाए मा या बेली क्या था तो भूमि माप की इकाई थी। भूमि कर को क्या कहा जाता था, कदमई या करई। भूमि माप को कहा जाता था कदमई या करई। सीमा शुल्क को क्या कहा जाता था, उल्लूक या सुंगम। बाजार को क्या कहा जाता था, अवनम। व्यापारी को क्या कहा जाता था, वेनिगर। दूरी की माप की इकाई क्या थी, दूरी की माप की इकाई नाली। अनाज तोलने की इकाई अंबानम। दस्तकार पर लगाया जाने वाला कर इसको कारु कारक कहा जाता था। भूमि माप की इकाई मा या बेली, भूमि कर कदमई या करई, सीमा शुल्क उल्लूक या सुंगम, बाजार अवनम, व्यापारी को विनिगर कहा जाता था, दस्तकार पर लगाया जाने वाला कर कारु कारक कहलाता था, दूरी की माप के लिए नाली शब्द था, अनाज तोड़ने के लिए अंबानम था। तो ये सब जो है शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा कि भाई सुंगम क्या था, तो आप कहिएगा सीमा शुल्क था। व्यापार जो था कुछ सिक्के भी मिले हैं, कि सिक्का का नाम है कासु, कनम, पेन, वेनपोन, ये सब सिक्का का नाम है। व्यापार में जो था वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ था उसको संगम शब्द में क्रूटी परी प्रथा कहलाते थे, क्रूटी परी प्रथा। और वस्तु विनिमय के लिए धान और नमक का प्रयोग होता था। क्योंकि विदेशी व्यापार होता था काफी तेज गति से, तो कुछ बंदरगाह भी मिले हैं। बंदरगाह में क्या क्या, कौन कौन बंदरगाह मिला है, तो नरसिंडा, मुसरी, बंदर, टोंडी, ये सभी पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, और ये सारे बंदरगाह चेर राज्य के अंतर्गत थे। चेर राज्य के अंतर्गत नरसिंडा, मुसरी, बंदर, टोंडी, पश्चिमी तट के ये सब बंदरगाह हैं जो चेर के अंतर्गत थे। सारीउर जो था ये पांडे का बंदरगाह था। ये किसका बंदरगाह था, पांडे का बंदरगाह था। सबसे इंपॉर्टेंट है पुआर। पुआर जो है यहां पर यवन बस्ती भी थी, यहां से यवन लोगों का एक मृदभांड होता था अरेटाइन मृदभांड, ये भी पाया गया है। ठीक, ये सब और विदेशी बस्ती भी मिला है और विदेशी लोग भी यहां से हमें मिले हैं पुआर से। इसी
इसका इस शहर को स्थापना कौन किया था? करिकाल ने किया था, कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे इसको करिकाल को जो है करिकाल ने किया था फुवार कावेरी नदी के किनारे। इसका बाद में नाम कावेरी पट्टनम भी पड़ा और ये चोल का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, चोल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कोई था तो ये वुहार ही था, वुहार। पश्चिमी तट पर ज्यादा बंदरगाह थे और पूर्वी तट पर कम बंदरगाह थे, पूर्वी तट पर कम बंदरगाह थे। लेकिन संगम काल के जो राजा थे वो पूर्वी देशों से भी व्यापार से फायदा उठाए और पश्चिमी देशों से भी व्यापार में फायदा उठाए। व्यापार जो था संतुलन वह चेर चोल और पांडे राजाओं के पक्ष में ही था। तो ये सब हो गया आपका अर्थव्यवस्था के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं और आपको बताता हूं कि एक कहावत है कि कावेरी डेल्टा में एक व्यक्ति जितना जमीन में एक हाथी लेट जाता था। सुनिएगा बात को, संगम ग्रंथ में वर्णित है कि कावेरी डेल्टा में एक हाथी अगर लेट गया तो उतना भूमि से 7 आदमी को भोजन कराया जा सकता है, 7 आदमी को भोजन कराया जा सकता है, मतलब इतना भूमि काफी उर्वर है। ये हमें संगम ग्रंथों से पता चलता है कि कावेरी डेल्टा की भूमि काफी उर्वर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग कि गंगा की भूमि, गंगा के मैदान काफी उपजाऊ है, तो उन लोग का भी दक्षिण भारत में संगम ग्रंथ में है कि कावेरी डेल्टा काफी उपजाऊ है, 7 आदमी का भोजन हो जाता है। उरेयूर जो है यहाँ का सूती वस्त्र काफी नामी है और कहा जाता था कि ये इतना महीन होता था कि सांप का केचुल जो होता है उसी की तरह होता था। उरेयूर का जो सूती वस्त्र होता था वो काफी इंपॉर्टेंट था और सांप के केचुल की तरह होता था। यहां से आपको रेशम वस्त्र मिल जाता था, सूती वस्त्र मिल जाता था, मलमल मिल जाता था, ये सब जो है यहां पर आपको मिल जाता था। कहा जाता है कि मलमल के बारे में कि जब रोम की स्त्रियां इसको पहन के रोड पर निकलती थी तो वहां के सार्वजनिक नैतिकता के लिए खतरा बन गया था, तो फिर जो है इस वस्त्र पर मलमल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये मलमल जो है 5 मीटर की साड़ी जो है रुमाल की तरह हाथ में आ जाता था, ये सब जो है आपको अर्थव्यवस्था के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। लेकिन राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत अर्थव्यवस्था में कहीं कृषि से ही आय ज्यादा था, युद्ध से भी आता था, प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ काफी थे और तो और विदेशी व्यापार भी काफी था, और यही सब कारण थे कि यहाँ से काफी प्रमुख मात्रा में धन राज्य को मिलता था। दूसरी चीज बात है कि यहाँ पर यह बात नहीं बताना चाहिए था कि ये हमको संगम प्रशासन ही बता देना चाहिए था कि जब सैनिक लड़ने के लिए जाते थे तो ये कामना करके जाते थे, उनके परिवार के लोग भी करते थे कि सैनिक जाए युद्ध में तो वह जिंदा नहीं आवे, मर कर आवे। तो ये संगम ग्रंथ का कुछ लिमिटेशन भी है क्योंकि उससे क्या होगा कि उसके उस वीर व्यक्ति का जो सैनिक है उसके सम्मान में वीरक्कल या ननुकल की स्थापना की जाएगी। तो ये सब जो है संगम ग्रंथ काल का जो अर्थव्यवस्था है और प्रशासन है ये कंप्लीट आज हो गया। और संगम समाज है और धर्म है। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे लगातार। धन्यवाद।